अलग की चीज, हम उसका नाम चाहे जो ले लें, यदि मिलेगी तो छूटेगी अवश्य, लेकिन अपने आप से वियोग कैसे होगा? जो सबको छोड़ने वाला है वो अपने आप को छोड़ कैसे पाएगा? और सबको छोड़ते छोड़ते जो शेष रह जाता है वही अपना आपा है, वही हमारा रूप है, हमारी वास्तविकता है। उसका पता कैसे चलेगा? रोड़े क्या है उसमें? अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब फिक्र रहित मन निरस जहां शोध यथार्थ तब। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं यथार्थ शोध, यथार्थ आत्मबोध, स्वस्वरूप की परख कब होगी? जब अंतस्थिर हो, अंतःकरण शांत हो, ज्वाला रहित, इच्छा और काम क्रोध आदि की ज्वाला से रहित हो, निर्भय हो, यहां तक मृत्यु का भी भय ना हो। मृत्यु का भय क्यों होता है? शरीर के मोह के कारण, कहीं मन फंसा होगा तो भय ज्यादा होगा, कहीं मन फंसा नहीं होगा तो भय नहीं होगा। शरीर की व्यवस्था करनी है, शरीर के जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना है, रोग लगे तो दवाई भी करना है, संयम करना है, परहेज करना है, ये अलग बात है, लेकिन शरीर छूट ना जाए यह भय करना बेकार है। हम कितनी भी चिंता करें शरीर तो छूटेगा छूटेगा, तो फिर चिंता करके क्या फायदा है? अपनी ओर से लापरवाही न रखें, अपनी ओर से असावधानी न करें, फिर जो होना होगा तो होगा। अब कुछ भी उपाय कर लें, एक दिन तो शरीर छूटेगा छूटेगा, तो मृत्यु का भी भय ना हो, पूर्ण निर्भयता, और किसी की चिंता ना। जो काम करना है वो काम करें, जो व्यवस्था करना है वो व्यवस्था करें, चिंता से क्या फायदा है? चिंता करने से कोई काम पूरा हुआ है? कोई काम करना है, योजना बनाए, लोगों से विचार विमर्श करें और सावधानीपूर्वक काम करें, चिंता करने से क्या होगा? अब बीती हुई बात की चिंता करना और बेकार है। जो घटनाएं घट गई उनसे प्रेरणा ले लें बस, कि ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ, अब ऐसा काम नहीं करना है बस। उसके लिए पश्चाताप बहुत न करें, इतनी ग्लानी न करें कि मन कमजोर हो जाए, बस साहसीन होकर के बैठ जाए। चिंता कुछ नहीं करना है, संदेह किसी प्रकार का ना हो, और मन विषय वासनाओं से रहित हो, विषयों की तृष्णा ना हो, विषयों की आसक्ति ना हो, उधर आकर्षित ना होता हो, तब यथार्थ सत्य यथार्थ स्वरूप के यथार्थ बोध होता है। मन चंचल बना हुआ है, कहीं शांत होता है, किसी विषय पर स्थिर होता ही नहीं है, भटकता हुआ मन। अब मन के भटकने का कारण क्या है? विषयों की आसक्ति। जो आदमी अपने देखने पर, सुनने पर, खाने पीने पर संयम नहीं कर सकता, उस आदमी का सोचने पर भी संयम नहीं होगा। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह ही कहा गया। खाने पीने पर संयम कर रखें, बात व्यवहार में संयम रखें,
सुनने पर भी संयम रखें कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। हर जगह जब संयम होगा तब मन की चंचलता मिटेगी। बोलने पर संयम, बोले जा रहे हैं बिना मतलब, खाने पीने पर कोई संयम ही नहीं है और सोचते हैं कि मन शांत हो जाए, कैसे होगा। कोई ज्वाला मन में ना हो, इच्छाओं के पीछे मन दौड़ता रहता है, काम क्रोध आदि जो विकार हैं इनके ज्वाला में मन जलता रहता है, किसी विषय पर गहराई से कैसे सोच सकते हैं। ये तो धर्म का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, जो सूक्ष्म विषय है। भौतिक क्षेत्र में भी जो आदमी अपने मन को बाहरी विषयों से रोक नहीं सकता, वो भौतिक क्षेत्र में भी किसी विषय पर अनुसंधान नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों को देखो, कितने हम अपने मन को एकाग्र किए रहते हैं, वो समाज से कट कर एकांत में चिंतन में डूबे रहते हैं, खोज करते हैं, एक विषय पर ही केंद्रित कर देते हैं। वैज्ञानिकों को खोज करते करते तमाम चीजें मिलती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, वो जो उनका लक्ष्य है उधर ही ध्यान दिए रहते हैं, तब वे शोध कर पाते हैं। चंचल हो मन, ये देखू ये खाऊं इससे मिलूं ऐसा करूं ऐसे बोलूं ऐसे करूं, तो वैज्ञानिक शोध कर पाएंगे। बहुत अपने मन को मारना पड़ता है वैज्ञानिकों को भी। मन मारना क्या पड़ता है, सहज अपने आप मन मरता है। यदि लक्ष्य सही हो, किसी एक विषय पर केंद्रित कर दें तो वह मन मारना है, तो एक प्रारंभिक स्थिति की बात है। जिस विषय में हमारा लाभ निश्चय हो जाता है उसमें मन को समर्पित कर दिए, बाहर सब भूल गया, ये तो वहां से मन मर गया, तो विकारों में डूबा हुआ मन यथार्थ शोध कैसे कर पाएगा। इच्छाओं पर संयम, कामनाओं पर संयम, विकारों पर संयम, पूर्ण निर्भयता, तब यथार्थ स्वस्वरूप का शोधन हो सकेगा। स्वस्वरूप के शोधन में, आत्मज्ञान होने में तीन मुख्य बाधाएं हैं। बाधाएं बहुत हो सकती है, लेकिन तीन बाधाएं मुख्य हैं, मल, विक्षेप, आवरण। मल गंदगी, और गंदगी क्या है, आसक्ति, विषय आसक्ति, विषय नाम पदार्थ। किसी भी पदार्थ में मन डूब गया, उसके बिना रह नहीं पाया, तो वही पदार्थ हमारे दुख का कारण बनेगा। देखने की चीज हो, खाने की चीज हो, कोई चीज हो, विषय आसक्ति मल है, विक्षेप चित्त की चंचलता, आवरण एक पर्दा, स्वरूप का अज्ञान। तो मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन स्वरूप के शोधन में रोड़े हैं, बाधा हैं। इनको हम उदाहरण से समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे एक सरोवर है, उसमें पानी भरा है, पानी एकदम स्वच्छ निर्मल, इतना निर्मल पानी कि पानी के नीचे 10-12 फीट गहराई पर जमीन पर कोई चीज पड़ी वो भी साफ दिखाई पड़ जाती है। कहीं कहीं सरोवर में ऐसा होता है, उसी किनारे हम गए, खड़े हुए, हमारे शरीर का प्रतिबिंब एकदम साफ साफ दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि पानी स्वच्छ है, निर्मल है। प्रतिबिंब दिखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन
जोरों की बरसात हुई और वर्षा के पानी से तमाम कूड़े कचरे मिट्टी गोबर आदि धूल करके तालाब के पानी में मिल गए। बाहर की गंदगी आई तो सरोवर का पानी मटमैला हो गया। अब वहां जाकर खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब दिखता नहीं, दिखता भी है तो भद्दा भद्दा, साफ नहीं झलकता है क्योंकि पानी मटमैला हो गया है, गंदगी आ गई उसमें, मल आ गया। वर्षा तो नहीं हुई, पानी स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन हवा चल रही है, तरंग उठ रही है, तरंगायित पानी के पास आप खड़े होंगे, प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा हिलता हुआ, साफ समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि हिल रहा पानी हिलेगा तो प्रतिबिंब भी हिलेगा, तो साफ दिखाई कैसे पड़ेगा, हवा भी नहीं है, पानी स्वच्छ है, हवा भी नहीं है, पानी शांत है, तरंगायित नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर शैवाल की परत जमी हुई काई, मोटी काई है, वहां जाएंगे प्रतिबिंब को दिखाई ही नहीं पड़ेगा। काई हटाए थोड़ा सा तो काई हटी, प्रतिबिंब थोड़ा दिखा, फिर काई आकर जैसे हाथ हटाए पई आकर काई आकर फिर मिल गए, जुड़ गई, पानी को फिर ढक लिया, प्रतिबिंब दिखने की कोई बात ही नहीं है। बाहर की गंदगी ना मिली हो, पानी में कोई मल ना मिला हो, तरंगायित ना हो, काई रहित हो, तब स्वच्छ पानी में साफ प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे ही समझ लें, हमारा अंतःकरण एक सरोवर के समान है। विषयाशक्ति की काई, देखने सुनने खाने पोने भोगने की लालसा, पद प्रतिष्ठा की कामनाएं, गुरुवाई महंती की कामनाएं, तमाम कामनाओं में मन डूबा हुआ है, किसी चीज को देखे मन ललचा गया, किसी का रूप देखे मन ललचा गया, किसी प्रतिष्ठा देखे मन ललचा गया, खाने पीने की चीज देखे मन ललचा गया, बस दौड़ रहा है मन उसके, आसक्ति में कहीं बांध लिए हैं मन को, तो ऐसे बंधे हुए मन में, आसक्त मन में स्वरूप का शोधन नहीं है, संभव ही नहीं हो सकता। कहां कहां दुख होता है आदमी को, जहां जहां आसक्ति है। आसक्ति की पहचान क्या है, विश्राम सागर में राम और लक्ष्मण का प्रश्नोत्तर है, उसमें लक्ष्मण ने प्रश्न किया है आसक्ति किम, आसक्ति क्या है, तो महाराज राम उत्तर दिया है प्रिय बिन देखे रुचत न कछु तन धन के लेखे, जब तक जो प्रिय वस्तु है, प्रिय प्राणी है, उसको न देख ले तब तक खाना पीना कुछ न सुहाए। कोई युवक है, किसी युवती में मोह कर लिया, अब उसी में उसका मन बंधा हुआ है, उसके अलावा किसी से बात करना, खाना पीना सोना कुछ अच्छा लगता ही नहीं, यही आसक्ति है, कहीं बांध लिया गया मन को, तो मन कहीं बंधा हुआ है, कहीं चिपका हुआ है, आसक्त है, तो शरीर से अलग एक आत्म तत्व है, इसकी समझ मन को कैसे होगी, बोध कैसे होगा। शरीर के प्रति ही आसक्ति है तो बोध नहीं होगा। अनासक्त मन, सब तरह से खुला हुआ मन, निर्ग्रंथ मन, सबसे ऊपर निष्काम, जब तक मन बाहर से हटेगा नहीं, अपनी ओर लौटेगा नहीं, और बाहर से दौड़ने कारण क्या है, आसक्ति, कामना, इच्छा,
आसक्ति क्यों बनती है? सुख मान करके। कोई चीज हमें मिली, उस चीज के बिना अब तक हम निश्चिंत होकर के रहते थे, उसके बिना ना कोई सुख था ना कोई दुख था, कुछ नहीं था, उसकी याद भी नहीं होती थी, कोई मनुष्य उसे हमारी कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी, बड़े आराम से उसके बिना रह रहे थे। और चीज मिली, हमने उसका उपयोग किया, चीज अनुकूल लगी, स्वादिष्ट लगी, बड़ी अच्छी लगी, उपयोग किया, उपयोग किया तो उसमें थोड़ी सुख की अनुभूति हुई, ये चीज अच्छी लगी, तो अच्छी लगी तो होता कि ये चीज मुझे और मिले, और देखूं, और सुनूं, और खाऊं, और पीऊं, और उससे मिलूं, ये मन हुआ, मन हुआ तो फिर उसको देखे सुने खा पी उससे मिले, बस ऐसे सुख की अनुभूति होती गई, प्रीता जगती गई, बार बार से संपर्क होता गया, और संपर्क होते होते मन बंध गया, अब उसके बिना रहना असंभव हो गया, अब ना उसके उसको देखे बिना, उसके के बिना ना भूख लगती है, ना नींद लगती है, ना कुछ अच्छा नहीं लगता, अभी तक बड़े आराम से रह रहे थे। तो अनुकूलता मान मान करके, सुख मान मान करके, जब बार बार हम उपयोग करते हैं, उपयोग करते गए करते गए, आदत बनती गई, आदत आसक्ति में बदल गई, अब मन वहां बंध गया, उसे हटने को तैयार नहीं है मन, तो सुख का शोधन कैसे होगा? तो ये मल विषयाशक्ति, दुनियादारी राग रंग विषय वासना में डूबा हुआ मन कभी आत्मशोधन नहीं कर सकता, सत्य को नहीं समझ सकता, यथार्थ बोध से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ, एक मन है, योग में लगाओ, चाहे भोग में लगाओ, चाहे वासना में लगाओ, चाहे उपासना में लगाओ, वासना में डूबा मन उपासना में नहीं लगेगा, भोग में डूबा मन योग में नहीं लगेगा। मन में एक समय में एक ही बात रहेगी, दो बात नहीं रहेगी, और मन को हमने बांध लिया पहले ही, किसी प्राणी पदार्थ में बंधा है मन, उसमें चिपका हो, बार बार उसके ही ख्याल कर रहा है, जैसे कुतुब में डुबिया डिबिया की सुई चाहे जिधर घुमा लो पकड़ करके छोड़ दो, उत्तर की ओर चली जाती है, ऐसे मन की आदत, पुस्तक पढ़े, भक्ति किए, पूजा किए, थोड़ा सा हटे, फिर घूम करके दुनियादारी राग रंग में फिर फंस गया, अब उसी का चिंतन अभ्यास उसी का है, इस अभ्यास को मिटाना होगा, और उसी के लिए वैराग की आवश्यकता है। ये विषयाशक्ति दूर कैसे होगी? वैराग से। वैराग का अर्थ क्या है? कपड़ा बदलना नहीं, आश्रम बदलना नहीं, वैराग का अर्थ है निर्मोहता। जब तक जीवन है तब तक पदार्थों का उपयोग करना पड़ेगा, और प्राणियों से प्राणियों में खासकर मनुष्यों से व्यवहार लेना पड़ेगा, पदार्थों का उपयोग छोड़ दें, मनुष्यों से व्यवहार छोड़ दें, जीवन नहीं चल सकता है। तो कैसे करें? जैसे शरीर में रोग लगने पर हम दवाई खाते हैं, दवाई सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है, कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है, कितनी मीठी दवा हो, खाने में कितनी अच्छी लगती हो, और कितनी महंगी हो, साल भर दो साल से खा रहे हैं मजबूरी बस, उसके प्रति आसक्ति नहीं बनती है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कह सके कि अमुक दवा बिना मैं रह नहीं सकता, और डॉक्टर ने कह दिया है बीमारी, उससे वो बात अलग है, लेकिन आदमी का मन दवाई में बंधा नहीं होता है, मजबूरी है, उसे खाए बिना जीवन नहीं चल रहा है, रोग दूर नहीं होगा, तो मजबूर होकर के आदमी खाता है महंगी 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 दवा, आसक्ति नहीं बनती। कड़वी दवा है तो द्वेष नहीं बनता। ऐसे ही कितनी अनुकूल चीज मिले जीवन निर्वाह में, कितने अनुकूल लोग मिले, समझ ले दवाई के समान उसका प्रयोग कर लेना है, बस बिना प्रयोग के जीवन चलेगा नहीं, दवाई समझ करके वस्तुओं का उपयोग करें,
दवाई समझ करके लोगों से व्यवहार करें तो आसक्ति क्यों बनेगी। मन उपयोग करते हुए भी मन को कहीं ना बांधना, तो ये वैराग्य है। अनाशक्त उपयोग करो और मन को कहीं बांधे ना। दूसरा है विच्छेद, चंचलता। जैसे तरंगायित पानी में प्रतिबिंब नहीं दिखता, मन एक विषय में स्थिर होता नहीं है, थोड़े थोड़े में मन भाग रहा है। मन के भागने का अर्थ क्या है? हर आदमी की शिकायत है कि साहब ध्यान में बैठता हूँ, समाधि में बैठता हूँ, मन रुकता नहीं, मन तो भागता है, शांत रहता ही नहीं है, कहाँ भागता है? मन को भागने का अर्थ क्या है? चंचल होने का अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है, जिस समय जो बात नहीं सोचनी चाहिए उस समय वह बात सोचना मन की चंचलता है। पुस्तक पढ़ रहे हैं, आंखें पुस्तक पर लगी है लेकिन मन कुछ दूसरा सोच रहा है, जबकि वो होना क्या चाहिए? पुस्तक पढ़ने में ही केंद्रित होना, लेकिन उसमें केंद्रित नहीं है, बाहर कोई और बात सोच रहा है, तो यही मन का भागना है। सत्संग में बैठे हैं, यहां पर शरीर बैठा है, कान तक आवाज जा रही है, मन कुछ और बात सोच रही है, ये मन का भागना है। जिस समय जो बात नहीं सोचनी चाहिए उस समय वह बात सोचना, ये मन का भागना, यही मन की चंचलता। अभी आप यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? सत्संग सुनने के लिए। क्यों आए सत्संग सुनने के लिए? शरीर बैठा है और मन घर की बात सोच रहा है, तो यहां का लाभ तो मिलेगा नहीं और घर का काम आपका होगा नहीं। इस समय घर की बात सोचने का आवश्यकता तो नहीं है आपको। जब घर जाना तो घर की बात सोचना, ऑफिस जाना तो ऑफिस की बात को सोचना। अभी कितना भी सोच लें लड़का ऐसा बिगाड़ रहा हो, लड़का ऐसा बिगाड़ रहा होगा, आप सोचने से लड़का सुधार तो नहीं कर पाएगा। तो घर का काम हुआ नहीं, यहां जिस काम के लिए बैठे वो काम बिक गया, बेकार चला गया। इस समय मन को समेट करके जो बातें कही जा रही है उसी में स्थिर कर दो, बस मन शांत हो गया। लेकिन आदत बिगड़ी हुई है, एक समय में एक काम करें। पढ़ाई कर रहे हैं उसी में मन को लगाएं, भोजन कर रहे हैं उसी में मन लगाएं। यदि हम अपने मन पर निगरानी करें तो भोजन करते करते भी ध्यान लग सकता है, भोजन करना भी ध्यान जैसा बन जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? खाते हैं, भोजन तो कर रहे हैं, अभ्यास है, हाथ रोटी को तोड़ रहा है, मुख में उठाकर ले जा रहा है, दांत चबा रहा है, उतने में हाथ फिर सब्जी उठा ले जा रहा है, अभ्यास है। अंधेरी रात में भी आप कौर उठाएंगे तो मुख में ही जाएगा, नाक में तो नहीं जाएगा, अभ्यास है उसमें। तो दांत जीभ हिल रही है, दांत चबा रहा है, मन कुछ और सोच रहा है। तो भोजन तो कर जाते हैं, स्वाद का अनुभव नहीं होता। कुछ ना सोचे, बस इतना सोचे कि अभी हाथ से मैं रोटी को तोड़ रहा हूँ, रोटी तोड़ लिया, अब मुख में ले जा रहा हूँ, दांत रोटी को चबा रहा है, जीभ स्वाद, बस यही पर ही केंद्रित करे तो आपको भोजन करना भी ध्यान बन जाएगा। और ध्यान में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, हाथ हिला रहा है, आरती की थाल या कुछ पूजा कर रहा है, मन बाजार में घूम रहा है, मन नौकर को डांट रहा है, कहाँ पूजा हो रही है, कैसे ध्यान लगेगा? जब ध्यान में बैठे कुछ ना सोचे, बस तो नहीं मैं ध्यान में बैठा हूं, बस यही सोचे, केवल मन को देखे कि मन कुछ बाहर तो की चिंतन तो नहीं कर रहा है, उसी चिंतन करो जिसके लिए बैठे हैं। तो एक समय में एक बात सोचना, ये मन की चंचलता को दूर करने का साधन। तो मैंने कहा था जिस समय जो बात नहीं सोचना चाहिए उस समय वह बात सोचना, ये मन की चंचलता, यही मन का भागना है। और मन ऐसा है, शांत नहीं होता तो आत्मशोधन स्वरूप शोधन नहीं हो सकता।
किसी विषय का बाहरी विषय को भी गंभीरता से समझने तक रखेंगे। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, बच्चा कुछ और सोच रहा है, टीचर एक घंटा पीरियड ले लेगा लेकिन क्या पढ़ाया समझ में आएगा नहीं। एक घंटा सत्संग में बैठे हैं, मन कुछ और सोच रहा है, क्या कहा समझ नहीं आएगा। कितने लोग आते हैं सत्संग में, पूछते भी कहाँ गए थे, सत्संग में गए थे, क्या बताए। अरे साहब बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताया सत्संग में, बढ़िया बात तो बताई जाएगी, घटिया बात थोड़ी बताई जाएगी। बढ़िया बात क्या बताया साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया बात, बढ़िया बताए बताए क्या, क्योंकि सुने ही नहीं है, मन तो कहीं कहीं लग रहा था और समझ में आया नहीं। तो जो कहा जा रहा है उसी में ही मन को लगा दो, बस उसी पर ही, उसी को सोचो, बस जिस समय जो काम करना उसी पर मन को डुबा दे, मन की चंचलता समाप्त। लेकिन अभ्यास बिगड़ा होने से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। अभ्यास जब करेंगे तो अभ्यास करते करते ऐसा होगा, जब जो काम करेंगे मन उसी में डूब जाएगा। जब ऐसा होगा तो वही मन ध्यान में समाधि में प्रवेश कर सकता है। और यदि व्यवहारिक काम में मन को चंचल बनाकर रखे हुए हैं, विकारी बनाकर रखे हैं, तो मन कभी ध्यान समाधि में प्रवेश नहीं करेगा। तो विक्षेप चित्त की, मन की चंचलता, और जब तक ये बना रहेगा तब तक स्वरूप शोधन आत्मशोधन नहीं हो सकता, स्वरूप की सही पहचान नहीं हो सकती। तीसरा है आवरण, आवरण पर्दा। जैसे कहा पानी स्वच्छ तो है लेकिन काई का आवरण लगा है, काई ढकी हुई है पानी को, प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अज्ञान, जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना, जो अपना है उसका ज्ञान न होना, ये अज्ञान है। शरीर अपना नहीं है लेकिन अपना मान लिया, समझ लिया कि मैं शरीर हूं। शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा से बना, जड़ है, और कोई भी जड़ तत्व, चाहे हम उसको सहज भाषा में मिट्टी पानी आग हवा कहें या वैज्ञानिकों भाषा में कुछ और कह लें, किसी भी जड़ तत्व में चेतना गुण ज्ञान गुण नहीं है। कोई भी ऐसा मौलिक भौतिक द्रव्य नहीं है जिसमें चेतना गुण हो, ज्ञान गुण हो। और तो जो मूल तत्व में, जो मूल कारण में जो गुण नहीं है, उसके कार्य में वह गुण कैसे आ जाएगा। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। कारण को से हटा करके कार्य में अलग गुण नहीं हो सकता। और किसी भी जड़ भौतिक द्रव्य में चेतना गुण नहीं है, ज्ञान गुण नहीं है, लेकिन चेतना है, ज्ञान गुण है। हम अपने को जड़ तो नहीं कह सकते, ज्ञान करते हैं, चेतना हम में है, अनुभूति है। तो चेतना किस गुण का है, ये जो चेतना गुण है किस द्रव्य का है। कोई भी गुण बिना द्रव्य के रह नहीं सकता।